अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आज मैंने आप लोग के लिए बहुत ही लजीज डिलीशियस रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है मुगलाई मलाई चिकन। जिसको बनाने में हमें थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर लगेगी, बट ये बनेगा बहुत ही ज़्यादा लजीज। आप खाओगे तो आप ये बहुत पसंद आएगा आपको। जिसके लिए हमें सबसे पहले 2 किलो चिकन लेना है। इसे अच्छे से साफ़ करके इसे इस तरह से सेक लेना है या ग्रिल कर लेना है। आप चाहिए तो डायरेक्ट इसे आग में भी कर सकते हो, बट ये तरीका आसान है। इस पे जो चिकन को हमारे स्कार्स आते हैं ब्राउन ब्राउन गोल्डन से, वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो हमारी चिकन पे कितने खूबसूरत से स्कार्स हैं। और ये हमने लिया है तेल, जिसमें हमने ऑलरेडी पहले प्याज कट करके भून लिया है, तो वो उसी का तेल है, लेफ्ट ओवर ऑयल जिसे बोलते हैं हम। और इसमें अभी जो हमारी ग्रिल चिकन है, जैसे कि वो अच्छे से गली नहीं है, बट वो ऊपर ऊपर से ही गली है, तो अब हम इसे अच्छे से इसे सेक लेंगे, भून लेंगे तेल में। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 2 चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट। 2 बड़े चम्मच लेना, और या तो जितना आपको लगता है, जितनी मिर्ची आप जितना तेज खाते हो उस हिसाब से आप ले सकते हो। और अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे तेल में, ताकि हमारी चिकन में बहुत अच्छा सा स्वाद आ जाए उसके मसालों का, और चिकन की स्मेल जो आती है वो चले जाए। ऐसे तो हमने हमारा जो स्मोकी तरीका था ग्रिल करने का, उसमें ही हमारी स्मेल चली गई होगी चिकन की। और अब हम इसमें नमक डाल देंगे। हमने पहले तो कम ही नमक डाला है, बाद में हम मसालों के साथ जब वो बन जाएगा तब हम इसमें और नमक डाल सकते हैं। और इसे हम 10 मिनट तक अच्छे से तेल में भून लेंगे, ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए हमारे मसालों का, और जो हमारा नमक है वो भी अच्छे से लग जाए। और जैसे कि आप देख सकते हो हमारी चिकन ने पानी छोड़ दिया है, वो गलने वाले प्रोसेस में आ गई है, और इसका जो स्टॉक है आप देख सकते हो कैसा बाहर आ गया है, हमारे तेल में मिक्स हो गया है इसका स्टॉक। अभी हम जो हमारी चिकन है इसे रिमूव कर देंगे। एक एक करके आप इसे अच्छे से रिमूव कर दीजिए, क्योंकि इसमें मसाला भी लग गया है, ये भून भी गई है, और आप इसे अच्छे से रिमूव कर दीजिए। देखिए हमारी सारी चिकन रिमूव हो गई है, और अब ये सिर्फ स्टॉक बचा है। अब ये जो हमारा स्टॉक है और ये जो मैं डाल रही हूँ, ये हमारी पीसी हुई प्याज है। हमने प्याज को सबसे पहले लाल किया है ऑयल में, और उसके बाद उसे अच्छे से ग्राइंडर में पीस दिया है। और अब हम इसमें जो हमारी चिकन का स्टॉक है और जो तेल है, इसमें हम इसे अच्छे से भून लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे कोकोनट पीनट और कोरिएंडर का पेस्ट। हमें इसमें खोपरा लेना है और सेंग लेना है, सेंग को भी पीस देना है खोपरे के साथ, और इसमें हमने कोथमीर भी पीस दिया है, क्योंकि हमारा जो मुगलाई चिकन है उसमें ज़्यादातर ऐसे एक मलाई का स्वाद आना चाहिए, और ये वाइट कलर का रहता है। और ये अब हमने इसमें डाला है गरम मसाला। गरम मसाले की आपको वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। और ये 3 चम्मच धनिया पाउडर हम डाल रहे हैं, और ये 2 चम्मच जीरा पाउडर है। जीरा भी हमने इसे पहले तो भून लिया है गैस पे, उसके बाद हमने इसे पीस लिया है, और अब हम इसे वापस से अच्छे से तेल में मिक्स कर रहे हैं ऑयल के अंदर, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छी सी स्मेल छोड़ने लगे और ये काफ़ी अच्छे से भून जाए। आप देख सकते हो मैं कितने अच्छे से इसे भून रही हूँ। 5 से 10 मिनट तक आपको इसे अच्छे से भूनना है, जब तक आप देखिए कैसे तेल और मसाला हमारा अलग अलग नहीं हो जाता है, हमें इसे अच्छे से भूनना है। और अब जो हमारी चिकन है जिसे हमने निकाल के रखा था प्लेट में, हम उसे भी ऐड कर देंगे। और ये अमूल की फ्रेश क्रीम है, ये पूरा 1 बॉटल चली जाएगी इसमें, क्योंकि हमारा बन भी ज़्यादा रहा है, तो हम इसमें 250 ml की अमूल फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। आप इसका जब टेस्ट करोगे तो बहुत ही अच्छा लजीज स्वाद आता है इसका, और ये काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। आप इसे नान के साथ खाओ या तो आप रोटी के साथ खाओ, ये हर चीज़ के साथ बहुत अच्छा मेल खाता है। और ये जो चिकन आप इसको खाओगे उसके एक एक रेशे में आपको स्मोकी स्वाद आएगा, ये काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें आग का वो जो स्वाद रहता है ना, डिलीशियस था, बहुत ही टेस्टी लगता है वो।
और हम इसमें अभी एक ग्लास पानी डाल देंगे ताकि जो हमारी चिकन है थोड़ी और गल जाए, हमारा जो मसाला है थोड़ा ग्रेवी में बन जाए क्योंकि हमने ज़रा भी पानी ऐड नहीं किया था। और अब हम इसे 15 मिनट के लिए ढक देंगे। अब जैसे कि हमने इसे 15 मिनट के लिए ढक दिया है, आप देख सकते हो कैसा तेल भी ऊपर आ रहा है उसका और हमारी चिकन भी गल गई है। और जैसे कि आप देख रहे हो हमारी चिकन काफ़ी अच्छे से गल गई है और ये बॉईल ना हो रहा है हमारा ग्रेवी, और हमारी क्रीम भी तैयार हो गई है बनके। देखिए कितने अच्छे से हो गया है। आप इसे थोड़ा और मिक्स कर लीजिए, थोड़ा मिक्स करके इसे भून लीजिए और देखिए ये कितने अच्छे से गल गई है हमारी चिकन और तेल भी इसका पूरा बाहर आ गया है। अब हम इसे सर्व करेंगे और ये हम सर्व कर रहे हैं, इसे कोई भी डिश में आप सर्व कर लीजिए। और आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और वीडियोस के लिए। और इसे अच्छे से हमें कोथमीर से उसे सजाना है, थोड़ा क्रीम लगाना है ताकि हमारी जो चैनल की जो हमारी वीडियो है वो काफ़ी अच्छी दिखेगी, थोड़ा डेकोरेशन भी अच्छा लगेगा। आप भी ऐसा सर्व कर सकते हो। और देखिए हमारा मलाई मुगलाई मलाई चिकन कितने अच्छे से तैयार हो गया है। और ये प्लीज़ लास्ट का स्टेप भूलना मत जो मैं भूल गई थी, हमें एक कोल लेना है और इसे स्मोकी फ्लेवर देना है, थोड़ा सा तेल या घी डाल के हमें ढक देना है 15 से 20 मिनट के लिए।